जिस कारण हम और आप इकट्ठे हुए हैं वो हमारे बाल अनंत रंगों के तमाम बाल चित्रकार हैं। बच्चों बहुत से बच्चे आर्ट जो पेंटिंग वगैरह सीखते हैं अलग अलग गुरुओं के पास में, लेकिन शायद इतने सिंपल और इतने बेहतरीन आर्टिस्ट एक ही फैमिली से, कहाँ हैं हमारे दूसरे सर जो है दूसरे वाले जिनके लाइक साथ खड़े हो कि अपने आप को मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और मैं ईच एंड एवरी पेरेंट से कहूँगी कि सर का यदि आप लोग किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आज के समय पर इनका लोग मार्केटिंग से इससे काफ़ी आगे जाते हैं, इनका इतना सिंपल इतना खूबसूरत सा छोटा सा एक प्रोग्राम और इम्पैक्टफुल, हम सारे यदि थोड़ा थोड़ा यदि एक एक छोटा छोटा भी जोड़ेंगे तो शायद आप लोग सारे कल के बहुत बड़े आर्टिस्ट साहब होंगे। दो घड़े हैं, एक मिट्टी का घड़ा है और एक तांबे का घड़ा है। तांबे मिट्टी के घड़े के अंदर भी हम पानी डालते हैं और तांबे के घड़े में भी पानी डालते हैं। तो मिट्टी के घड़े ने विनम्र होकर प्रणाम करके तांबे के घड़े को कहा, तुम तो धातु के हो, तुम बहुत मूल्यवान हो, मैं तो गरीब मिट्टी का हूँ, मैं तो पानी ठंडा करके पिला देता हूँ, तुम्हारे से जो पानी है वो टकरा करके वापस आ जाता है, मैं प्यास मिटा देता हूँ और अपने प्राण उसमें सान देता हूँ। ये जितने नन्हे मुन्ने कलाकार हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, मैं ये नहीं कहता ये मिट्टी के घड़े हैं, पर ये अपने प्राण उसमें सान देते हैं, इतनी सुंदर सुंदर इन्होंने चित्रकारी करी है। आप सब मेरा नाम तीर्थंकर विश्वास, मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरा बहुत सारा जगह एग्जीबिशंस होते रहा है, पर इन्हें मनोरमा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से मुझे आज यहाँ इनवाइट किया था और मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि बच्चे का पेंटिंग्स और इतना मैच्योर पेंटिंग, इतना छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा पेंटिंग किया है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने ऑर्गेनाइज भी अच्छा ही किया है और मैं चाहता हूँ कि इनका भविष्य में बहुत और नाम आए और लोग इनको देखें और अच्छा लगे। मेरा नाम संजीव शाश्वती है और मैं मनोरमा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स क्राफ्ट से जुड़ा हुआ हूँ। महाराणा जी
का ये बहुत अथक प्रयास है इन छोटे छोटे नन्हे अंकुरित बच्चों के साथ। और जितनी भी पेंटिंग आप इस गैलरी में देख रहे हैं, मतलब हर पेंटिंग कुछ कह रही है। बच्चे के अंदर जितनी उनके अंतरात्मा की चीज़ें हैं वो पेंटिंग में उकेर के यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। महरौली नई दिल्ली में जो मनोरमा स्कूल ऑफ आर्ट है उसके दो ब्रांच और इन्होंने इस वर्ष लॉन्च किए हैं। पहला ब्रांच है वो छतरपुर एक्सटेंशन में है और दूसरा जो ब्रांच है हमारा वो रोहिणी में है। पुनः मनोरमा स्कूल ऑफ आर्ट के सारे प्रतिभागी को शुभकामनाएं देते हैं। मेरा नाम भास्कर सिंघा है और ये मनोरमा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट 9 साल पहले शुरू हुआ, तो बहुत ही अच्छा काम राणा जी कर रहे हैं। मतलब को तो इतना अच्छा बच्चा है, जो क्रिएटिव बच्चा है इसमें, मैं इस बात देख के तो हैरान हो गया कितने सारे बच्चा इतना अच्छा अच्छा पेंटिंग बनाए। तो मैं भी शुरू किया, अब देखते अच्छा ही होगा। मैं गंगा नारायण महाराणा एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और मेरा मम्मी का नाम पर मैं स्कूल मनोरमा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट 16-17 साल से यहाँ पे मेहरौली में चला रहा हूँ। इसमें काफ़ी बच्चे मेरे से सीख के आज कहीं कहीं अच्छा अच्छा जगह में पहुँच गए हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं और मैं बहुत उन बच्चों को जो सिखाता हूँ इसकी वजह से मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली। मनोरमा महाराणा जो मनोरमा है, मेरा मन का माँ, मेरा हृदय का जो मेरा मम्मी है, मेरा बचपन से वो मुझे ड्राइंग सिखाते थे। वो बंगाली फैमिली में थे, पापा उड़ीसा के थे, मेरा मम्मी से बहुत कुछ मैंने सीखा है। फिर हमारा जो कलाकार फैमिली है इसमें मेरा 5 भाई और 3 बहन हैं। भाई जो म्यूजिशियन है, बहन भी म्यूजिशियन है और मैं इसे पेंटर हूँ। अभी हमारा 2 ब्रांच भी और खुल गया है और मेरे साथ तो और भी अच्छा अच्छा टीचर और अच्छा अच्छा लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब हूँ कि ये स्कूल और आगे बढ़े और तरक्की करे। खुशी है कि हमारे भाई ने माँ के नाम पे स्कूल बनाया है और बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हर बार देखता हूँ मैं एग्जीबिशन, छोटे छोटे बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं यही कहूँगा। और हमारा भाई का जो काम है वो बहुत डेडिकेटेड है, वो आर्टिस्ट बहुत काम में बहुत लगन है उसका और वो बच्चों के काम में दिखता है वो सारे चीज़ें। सबने बहुत बढ़िया बनाया है और मैं मनोरमा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के उज्ज्वल भविष्य का कामना करता हूँ। मेरा पहले गुरु हैं मेरे माँ और मेरे भैया, और जो दिल्ली में जो सब आज जो एग्जीबिशन लगा हुआ है ये बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा बहुत नसीब में हूँ जो मुझे आज ये मौका मिला है यहाँ आने के लिए। महाराणा सर के मेरे बच्चे छोटे छोटे 4-5 साल की उम्र से उनके साथ पेंट ड्राइंग का शुरू किया। मेरे लिए तो इट वाज अ मोस्ट फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं उनको बैठे हुए देखती थी कि कैसे वो एक छोटा सा एक इंजन, एक मिनट, एक 30 सेकंड्स में एक फायर इंजन बन जाएगा, 30 सेकंड में एक पुलिसमैन बन जाएगा, एंड वो कैसे कितना सिंपल लगता था, कैसे सुंदर तरीके से जब उनका हाथ चलता है, एक इतने सुंदर तरीके से वो ब्रश चलाते हैं, एक इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग।
मैं मुकेश कुमार सैनी फ्रॉम अलीगढ़। गंगा ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इतना बेहतरीन काम कर रहा है और उसने एक एग्जीबिशन, वैसे तो वो एवरी ईयर अपने मदर के ये पुण्यतिथि पर ऑर्गेनाइज करता है, तो मैं यहाँ के जो इसने अपने बच्चों से काम कराया है उसको देख करके काफ़ी प्रभावित हुआ और इसका जो बच्चों पर ये मेहनत का पूरा ये फल यहाँ पर मुझे इस एग्जीबिशन में दिखाई दिया। मेरा नाम निकलेश है, मैं क्लास 8 से हूँ, केंद्रीय विद्यालय JNU से। मैं 2 साल से सर से पेंसिल शेडिंग सीख रहा हूँ। मुझे बहुत पेंसिल शेडिंग पसंद है, सर ने मेरे को सपोर्ट किया पेंसिल शेडिंग के लिए और इस एग्जीबिशन में पहला एग्जीबिशन है। लास्ट साल भी सोचा था पर उस वक्त हो गया था ख़त्म, पर इस बार मैंने ट्राई मारा है। मैंने 3 पेंटिंग बनाई है। मैं मनोरमा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से, मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और ये मेरी पेंटिंग्स है। राधा कृष्ण का मैंने थीम चुना है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कृष्ण जी के हाथ हैं और 3D टाइप्स का हमने बनाया और इसमें पूरे ब्रह्मांड को दिखाने की हमने कोशिश की है कि एक स्त्री है उसमें। My name is Asis Kandhari and I am 14 years old. My painting depicts free birds who are willing to fly from here to there. It's full of intricate designs which I've made with brushes and pens. It's a really unique style of art because this sort of designs are not usually found in modern paintings. That's one of the reasons why my painting stands out. Otherwise, it's made of acrylic paints and full of layering. My name is Harsh Malik. I study in class 4. I am attached with Manorama School of Fine Arts from last 2 years. My teacher is Mr. Ganga Narayan Maharana. He has taught me many things about painting and has given a great effort. So my painting is that, the theme of my painting is pressure on students in today's time, which is very much sensitized subject. I tried my best to inculcate this matter through my painting. My name is Hiral Devdas. I'm a student of Manorama School of Fine Arts. I am very blessed to have a great teacher like Maharana sir. He is encouraging from last 5 years in the field of art. He also encouraged me to draw this painting about the life of Krishna. He also helps me in different types of drawings such as watercolor, acrylic color, and pencil shading. Friends, I am Nisha Kalra. This is my painting. जैसे कि आप देख रहे हैं, गणेश जी और शिव जी की है ये। Rajita Banik. I have joined Manorama School of Fine Arts from about 4 months. I painted this to promote nature. I painted this with acrylic on watercolor. Mera naam Christine Dopo hai. और मैं सर से 4 साल से सीख रही हूँ पेंटिंग, और पेंटिंग मेरा बचपन से ही हॉबी है, मतलब लाइक इट्स माय पैशन। और ये रही मेरी पेंटिंग, इट्स अबाउट अ लॉस्ट गर्ल जो अपने सपने के बारे में सोच रही है कि उसको कोई मिल जाए, तो ये एक्रेलिक कलर से बने हैं।
is Rajvi. I have joined Manorama School of Fine Arts from past 4 months, and I have many interests on the arts, so I'm very proud to join the Manorama Arts of Fine Arts. I am Rajiv Vardhan of Class 5B of Chinmaya Vidyalaya. Is associated with Manorama School of Fine Arts since a very long time. It helps me to study and refreshes my mind. Hello, I am Soumil Arula of APJ School Shekhsara, और मैं Manorama School of Fine Arts से art सीख रहा हूँ, और ये मेरी painting है जो मैंने गणेशा जी के ऊपर बनाई है, क्योंकि मैंने गणेशा जी को इसलिए choose करा क्योंकि हर काम श्री हम हर का काम गणेशा जी से शुरू करते हैं, हर काम श्री गणेश. मेरा नाम अक्षत गुप्ता है, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ APJ स्कूल शेखसराय में. मेरी पीछे पेंटिंग लगी हुई है ब्लू कलर की, उसमें हमने मैंने वुमेन एम्पावरमेंट को शो किया है. उसमें हम मैंने ये दिखाया है कि गर्ल्स आजकल पूरी फ्री है, अब उन पर किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है. हेलो, मैं आर्द्रा सजीव, मैं मनोरमा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ. मेरा एक्सपीरियंस 4 साल से है, और इस बार मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है. मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन कृष्णा के बारे में है. कृष्णा और सुधामा एक पक्के दोस्त थे. इस कैनवास में ये बता रहे हैं कि कृष्णा और सुधामा के बीच में कितना प्यार और मोहब्बत है.